Hey guys, this is Juhi Amit Singh and once again welcome back to our channel. आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक मेकअप ट्यूटोरियल का वीडियो. ये वीडियो आप लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल होगा, स्पेशली जो न्यू ब्राइड्स है या जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए ये वीडियो जरूर हेल्पफुल होगा. सो जिनकी भी नई शादी होने वाली है या फिर जिनकी शादी हुई है अभी नई नई, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा. और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो यहाँ पे कोने में एक रेड कलर का सब्सक्राइब होगा, उसे जरूर दबा दीजिएगा. और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा. सो आज मैं आप लोगों के लिए ये 10-15 मिनट में होने वाला मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ, जो कि स्पेशली न्यू ब्राइड्स के लिए है. एक्चुअली शादी से पहले लड़कियां स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, पढ़ाई के अलावा मेकअप पे शायद ही कोई लड़की होती होगी जो ज्यादा फोकस करती होगी. जैसा कि मेरी शादी हुई तो मुझे उस वक्त ये सब मेकअप के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था. ये आई शेडो और ये हाइलाइटर वगैरह ये सब मेरे को मालूम नहीं था उतना, तो इसलिए मैं इतना कुछ मेकअप नहीं कर पाती थी अपने शादी के वक्त. बस बेसिक सा मेकअप, काजल और लिपस्टिक, क्रीम वगैरह ये सब मैं जानती थी, तो यही सब मैं करती थी. सो गाइज, मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह आप लोगों को भी मेकअप करने में शुरुआत में कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं ये मेकअप ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. होपफुली आप लोगों के लिए ये मेकअप ट्यूटोरियल हेल्पफुल होगा और आप लोग भी थोड़ा बहुत मेकअप करना तो जरूर सीख जाएंगे. तो चलिए ज्यादा डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले प्राइमर यूज़ करने जा रही हूँ. ये ब्लू हेवन का प्राइमर है. अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप प्राइमर को यूज़ ना करके आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं. किसी भी कंपनी का एलोवेरा जेल अगर आपके पास हो तो वो भी सेम वर्क करता है और स्किन के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है, इसलिए आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं. प्राइमर लगाने से मेकअप आपको लगाने के बाद ही ये फील होगा स्किन कितना सॉफ्ट हो जाता है. उसके बाद मैं यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ. ये स्टिक वाला फाउंडेशन है. एक्चुअली मैं भी ये फाउंडेशन पहली बार यूज़ कर रही हूँ, बट इसको यूज़ करने के बाद मुझे लगा कि इसे अप्लाई करना और इसे पूरे फेस पे मतलब स्प्रेड करना, मिलाना ना बहुत इजी होता है लिक्विड फाउंडेशन के कंपैरिजन में. सो बहुत अच्छा लगा मुझे. आप लोग भी अगर फाउंडेशन लेने का सोच रहे हैं तो आप ये स्टिक वाला फाउंडेशन ले सकते हैं. ये इजीली पूरे फेस पे आपके स्प्रेड हो जाता है. और यहाँ पे देखिए, मैं ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर रही हूँ, हाथों से ही ये इजीली पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड हो गया है. ये बिल्कुल इजीली पूरे फेस पे मिक्स हो जाता है और कहीं भी कम ज़्यादा ऐसा नहीं रहता है, बिल्कुल इवनली अच्छे से स्प्रेड होता है. ये कहीं पे भी लेयरिंग जैसा नहीं दिखता है, बहुत अच्छा रहता है ये स्टिक वाला फाउंडेशन. आप ले सकते हैं इसको ज़रूर. उसके बाद मैं यहाँ पे लैक्मे का पाउडर यूज़ कर रही हूँ. आप जो भी पाउडर यूज़ करते हैं कॉम्पैक्ट, वो आप यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे मैं ब्रश से सभी अपने फेस पे, नेक पे और ईयर एरिया पे, अंडर आईज पे, सब जगह अच्छे से फेस पाउडर को मिक्स कर लूँगी. फेस पाउडर लगाने के बाद जब मेकअप थोड़ा सेट हो जाएगा तो बीच में थोड़ी देर का गैप लेके फिर मैं आगे का मेकअप करूँगी, ताकि बेस जो है वो अच्छे से सेट हो जाए. उसके बाद मैं नेक्स्ट आई मेकअप पे जाऊंगी. आई मेकअप के लिए मैं पहले यहाँ पे ये ऑरेंज कलर की मैंने साड़ी पहनी है, इसलिए मैं ऑरेंज कलर का आई शेडो ले रही हूँ. उसके बाद मैं उसे इनर कॉर्नर पे हाफ में उसे स्प्रेड करूँगी और बाकी आउटर कॉर्नर पे यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेड कलर, डार्क रेड कलर का, मैरून कलर का मैं थोड़ा सा अलग से इसमें कर रही हूँ मिक्स, ताकि थोड़ा सा अलग लुक आए. और आउटर कॉर्नर पे मैं इस तरीके से फिंगर से ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आई शेडो लगाना फिंगर से ही मेरे से सही से हो पाता है. मैं ब्रश का यूज़ करती हूँ तो वो थोड़ा सा बिकॉज मैं उतना ज़्यादा मेकअप करती नहीं और मुझे आइडिया नहीं है, तो मेरे हाथ से वो ब्रश हिल जाता है और फिर इधर उधर हो जाता है, इसलिए मैं अपने फिंगर से ही यूज़ कर रही हूँ. और यहाँ पे मोबाइल में देख के आईलाइनर लगाना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था. मैं मिरर के सामने मेकअप नहीं कर रही हूँ, तो मोबाइल में देख के यहाँ पे आईलाइनर लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, बट फिर भी किसी तरीके से मैंने कर लिया. और ये जो आईलाइनर है ये NYB का है, पर्पल का है. ये पर्पल से मैंने मंगवाया था, बहुत ही अच्छा आईलाइनर है ये, बहुत ही समय तक टिक जाता है, वाटरप्रूफ है, ट्रांसफ़र प्रूफ है, बिल्कुल निकलता नहीं है जब तक आप इसे मेकअप रिमूवर से नहीं निकालते हो तब तक. यहाँ पे मैं मस्कारा लगा ले रही हूँ और मस्कारा लगाने के बाद आईज़ का लुक बिल्कुल अलग ही हो जाता है. ये कैमरा एक्चुअली उतने अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाता है, बट जब भी आप लगाओ तो अपने आईज़ में आपको बहुत ही डिफरेंस लग जाता है, देख के समझ में आ जाता है. एक्चुअली अगर आप काजल और आईलाइनर कुछ ना लगाओ और सिर्फ मस्कारा लगा लो, उससे भी लुक आईज़ का काफ़ी इन्हेंस हो जाता है. इसके बाद मैं थोड़ा सा अपने आईब्रोज़ को सेट करने वाली हूँ. एक्चुअली मैंने आईब्रोज़ अपना बनवाया नहीं है, थ्रेडिंग नहीं करवाया था मैंने, इसलिए उतना अच्छा दिख नहीं रहा है, बट स्टिल मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि थोड़ा सा तो अच्छा लुक आ जाए.
यहाँ पे ये ब्रश आता है, आप जब भी मेकअप ब्रश खरीदने जाओगे तो उसके साथ ही आपको आईब्रो सेट करने वाला ब्रश मिलेगा, उससे मैंने अपने आईब्रोज को सेट कर लिया है। और यहाँ पे NYB का काजल भी मैं यूज़ कर रही हूँ, ये काजल भी काफ़ी अच्छा है, मैं 2-3 साल से इसी काजल को यूज़ कर रही हूँ। purple.com से मैं हमेशा 4 से 5 काजल एक बार में मंगाती हूँ, उसके बाद वही काजल 5-6 महीने तक आराम से चलाती हूँ। रेगुलर वियर में मैं इसी काजल का यूज़ करती हूँ, काफ़ी टाइम तक रह जाता है। ये काजल भी वाटर प्रूफ है, ट्रांसफ़र प्रूफ है इसलिए। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पिंक लिपस्टिक लगाई थी, बट मेरे को बहुत ऑड लग रहा था इसलिए मैंने बाद में ये चेंज कर लिया था, इसलिए मैंने आप लोगों को लिपस्टिक वाला क्लिप नहीं दिखाया है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लशर लगा रही हूँ, ब्लशर मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही बिकॉज मुझे उतना ब्लशर पसंद नहीं है, ब्लशर से ज़्यादा मेरे को हाइलाइटर अच्छा लगता है, तो इसके बाद मैं हाइलाइटर लगाऊंगी। पहले आईज़ के इनर कॉर्नर पे साइड से मैं लगाऊंगी, ये मैं क्लिप का यूज़ कर रही हूँ ताकि अच्छे से लग जाए, पतली वाली ब्रश जो है वो मेरी मिल नहीं रही थी इसलिए मैंने ये क्लिप का यूज़ किया है। उसके बाद मैं जो अपना मेकअप का ब्रश था मेरे पास जो अवेलेबल था उससे मैंने थोड़ा सा वहाँ से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया है, और ये हाइलाइटर का थोड़ा सा जुगाड़ किया है मैंने हाइलाइटर ब्रश का, इसमें क्लिप लगा के फिर मैं चीक बोन पे और नोज़ पे, अपर लिप पे, चिन पे और फिर फॉरहेड पे हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैं अपनी बिंदी लगा ले रही हूँ, और बिंदी लगाने के बाद मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने पिंक वाले लिपस्टिक को रिमूव कर दिया बट स्टिल अभी वो थोड़ा सा है। और यहाँ पे मैं ऑरेंज लिपस्टिक का यूज़ करूँगी, थोड़ा सा मैंने लिप बाम लगा लिया लिप को मॉइस्चराइज़ करने के लिए, और जस्ट सिंपली मैं नॉर्मल लिपस्टिक का यूज़ कर रही हूँ, ग्लॉसी वाले लिपस्टिक का, मैट लिपस्टिक नहीं यूज़ कर रही मैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिप को लाइन करते हुए फिर मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया है, बस इसके बाद हमारा मेकअप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैं थोड़ा सा फिनिशिंग टच दे रही हूँ यहाँ पे, थोड़ा कॉम्पैक्ट लेके आईब्रोज़ वगैरह पे, चूँकि मैंने बाद में लगाया था आईब्रो पेंसिल तो फिर उसको मैं अच्छे से सेट कर लूँगी थोड़ा सा पाउडर लेके, बिल्कुल कम पाउडर लेके, ज़्यादा पाउडर नहीं लेना। और यहाँ पे फिर मैं हेयर स्टाइल बनाऊँगी, हेयर स्टाइल मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रही हूँ, बस बीच से मांग निकाल के। और अगर आप न्यू ब्राइड है तो फिर आपको ऐसा ही हेयर स्टाइल करके रहना पड़ता होगा, बिकॉज स्टार्टिंग में हमारे यहाँ 1.25 महीने तक बिल्कुल सिंदूर मांग में भर के लगाना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पे बीच का मांग निकाल रही हूँ। और बस दोनों साइड से मैं थोड़ा सा हेयर को ट्विस्ट करके क्लिप कर लूँगी, और अकॉर्डिंग टू यू, आप बाल खुला रखना चाहते हैं तो आप खुला रखो, अदरवाइज़ आप पीछे इसे टक कर सकते हो या पोनी बना सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, या फिर आप अगर चाहो तो बीच मांग निकाल के, और भी बहुत सारे हेयर स्टाइल होते हैं तो वो भी बना सकते हो आप। तो यहाँ पे हमारा लुक कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे मेकअप करने के बाद मैंने बस ये सिंपल सा बैंगल पहन लिया है, क्योंकि ज़्यादा हैवी बैंगल पहन के पूरे दिन रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोगों को हो पाता है, आप लोग पहन पाते हो, तो आप लोग ज़्यादा बैंगल्स पहन सकते हो, एंड ईयरिंग्स और मंगलसूत्र वगैरह मैंने यही रहने दिया है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, अगर आप लोग हैवी ईयरिंग पहन के रह सकते हो पूरे दिन तो आप वो चेंज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, होप आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, और अपने आइडियाज और सजेशन हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में लिख के। सो थैंक यू।